हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। गाइस, आज जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स होगी और कैंडल्स रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। गाइस, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो आपसे इतने लीजिएगा। जय सिया राम, हे राम जी। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इनको लेके। जय सिया राम। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इनको लेके क्या है। जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, यहाँ पे जे और सी इनिशियल मिला है। आपसे अगर रेजोनेट हो तो आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे एक मून बन रहा है, दैट मीन्स आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, नो डाउट। आपके पर्सन आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेके रो भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो मून बन रहा है वो फुल मून बनते जा रहा है। दैट मीन्स इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और एक सर्किल है जो कंप्लीट होने वाला आप दोनों के बीच। मे बी कोई एक साइकिल जो हमेशा से आप दोनों के बीच बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो साइकिल अभी कंप्लीट होने वाला है। डेफिनेटली गाइस, कोई साइकिल था आप दोनों के बीच, वो कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे एक एनर्जी और है जो कि बताता है कि आपकी लाइफ में गाइस एक सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है। आई डोंट नो ये सेलिब्रेशन किससे रिलेटेड है, बट यहाँ पे एक बैलून बना है जो कि मुझे बताता है कि कुछ तो खास अभी आपकी लाइफ में होने वाला है। और एक मैसेज दिख रहा है मुझे, जैसे आपकी पर्सन आपको टेक्स्ट करने वाले हैं। नो डाउट आपकी पर्सन आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये फीलिंग है कि वो आपको टेक्स्ट कर रहे हैं। ओके, और क्या है, यहाँ पे डॉट्स मिल रहे हैं गाइस। आपने नोटिस किया हो, डॉट्स डॉट्स मिलके इन्होंने एक सर्किल कंप्लीट किया है। दैट मीन्स आपके पर्सन कंक्लूजन पे आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को याद करके जैसे समेट रहे हैं पास्ट की बातों को। जैसे आप दोनों के बीच पास्ट में जो बातें हुई थी ना, भले ही इन्होंने उस पर ध्यान उस वक्त नहीं दिया, बट राइट नाउ जैसे एक एक बातें इनको याद आ रही हैं और वो उनको कनेक्ट करके किसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। जैसे पास्ट में फॉर एन एग्जाम्पल आपने इनसे कुछ कहा था किसी भी पर्सन के बारे में, तो अभी क्या है, अभी इनका ये है कि ये उस बात के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, आपने एक वक्त जो बात कही थी वो सही थी। कहीं ना कहीं किसी बात को किसी और बात से कनेक्ट करके किसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। और क्या है, एक हार्ट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन 24/7 आपको मिस करते हैं, आपको लेके इमोशंस डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 8 भी दिख रहा है, इन्फिनिटी का साइन है। दैट मीन्स ये कर्मा को भी बताता है। मे बी आपके पर्सन राइट नाउ अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और आप दोनों के बीच एक साइकिल तो डेफिनेटली कंप्लीट हुआ है। ओके, यहाँ पे ओ इनिशियल दिख रहा है और ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, नो डाउट आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं बहुत जल्द गाइस, बहुत जल्द। यहाँ पे एम इनिशियल भी दिख रहा है। आई डोंट नो आपसे अगर रेजोनेट कर रहा है कोई एम इनिशियल, सही आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं।
ओके मैं अभी इसको यहीं डन करने वाली हूँ वरना फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। ओके अगर कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके वाओ गाइस यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो गाइस डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द। इनके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हुई हैं जहाँ पे इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है। बेसिकली ये आपके साथ अभी रोमांटिक वाले फीलिंग्स में आए हैं और कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे एक एनर्जी और है जो कि बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग शामिल हैं आप दोनों के बीच। और यहाँ पे आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा जो कि बताता है, हो सकता है कि ये आपके पर्सन को किसी नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और जिसकी वजह से मे बी अभी तक आपके पर्सन रुके हुए थे। लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये लोग अभी भी इन्वॉल्व हैं आप दोनों के कनेक्शन में। कुछ लोग हैं, मे बी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है, बट स्टिल आपके पर्सन, भले ही लोग इनको कितना भी इन्फ्लुएंस करें, बट आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। गाइस मुझे नहीं पता, अभी कुछ सेलिब्रेशन आपके दोनों के बीच होने वाला है अपकमिंग डेज में। कुछ सेलिब्रेशन के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, जैसे मे बी जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होंगे तब आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। गाइस बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। आप इस कनेक्शन में पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी आपके पर्सन आपको सॉन्ग के थ्रू कुछ मैसेज सेंड करते हैं। अगर आपके पर्सन का कोई फेवरेट सॉन्ग बार बार आपके सामने आ रहा है, दैट मीन्स आपके पर्सन की वही करंट फीलिंग्स आपको लेके उस वक्त की, क्योंकि आपके पर्सन सॉन्ग्स के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक गिटार बना हुआ है जो कि बताता है कि सॉन्ग के थ्रू आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके और क्या है देखते हैं। गाइस हो सकता है कि पास्ट में आपके जो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे आपको लेके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, बट राइट नाउ जैसे वो नेगेटिविटी निकल रही है इनके मन से, जैसे आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, जैसे आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ये जो अभी एक डिज़ाइन बनी है उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन आप दोनों के बीच एक्सपेक्टेड है। नो डाउट कोई सेलिब्रेशन आप दोनों के बीच हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं और बहुत जल्द करेंगे भी। और ये स्पेशली उस दिन करेंगे जब जहाँ लोग इकट्ठे होंगे। अभी क्या ऐसा होने वाला है आई डोंट नो, क्या अभी मे बी कोई त्यौहार पे, अभी कोई त्यौहार आने वाला है या तो करवा चौथ पे या दिवाली पे। सो ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। अगेन आई एम सेइंग हार्ट गाइस, आपके पर्सन जैसे अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे वो अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। और यहाँ पे अगेन मैं बता दूँ मुझे कोई सैडनेस, कोई सैड वाली एनर्जी नहीं दिख रही। जैसे आपके पर्सन खुश हैं इसलिए नहीं कि आप इनसे दूर हैं, बल्कि इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच करने वाले, इसको सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। गाइज यहाँ पे
आपकी लाइफ में सीरियसली कोई तो हैप्पीनेस एक्सपेक्टेड है, एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में अभी आने वाला आपके पर्सन की तरफ से, जहाँ आपके पर्सन भी होंगे, आप भी होंगे, और वो जो मोमेंट होगा वो बहुत जैसे आपको एक हैप्पीनेस दे के जाएगा, जैसे आप खुश होंगे। यहाँ पे अभी एक मेरे को टेडी बियर दिखा है, मे बी आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, टेडी बियर लाइक। सो एज ऑफ नाउ तो गाइज मैं यही मैसेज पिक कर पाई हूँ, आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, किसी मोमेंट के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। मे बी आसपास के लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट स्टिल वो उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ थोड़ी सी डार्कनेस आपको दिखी है जैसे, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपके पर्सन आपको लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है राइट नाउ जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं, और एक साइकिल कंप्लीट हुआ आप दोनों के बीच और न्यू स्टार्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत जल्द आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बहुत जल्द। ओके अभी इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं, मैसेज नहीं सॉन्ग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे एक सॉन्ग देख लेते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है वो कहने दो। मैंने कहा था ना कि कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं, ये राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई है स्पेशल मोमेंट जो आने वाला है अभी, और ये उस वक्त का वेट कर रहे हैं, और ये आपसे कह रहे हैं कि इनके मन में जो बातें हैं वो कह लेने दीजिए, इनको मौका दीजिए, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे कि आप इनको सुनेंगे, आप इनको समझेंगे। सो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है, रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।